इतने माहौल बना लीजिए, फिर आपका माहौल बन जाएगा तो फिर आप शिफ्ट हो जाना वो बड़े डिस्क में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सो आज स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग विजिट करने वाले हैं वूविन वॉकिंग स्ट्रीट, जो हो ची मिन्ह सिटी का जहाँ नाइट लाइफ होता है, तो वहाँ हम लोग आज वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। मेरे होटल के जस्ट पीछे की गली में ही ये जो वॉकिंग स्ट्रीट है वो है, क्योंकि यहाँ पे पूरा नाइट लाइफ होता है। सो आज कुछ ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप थोड़े अपने पैसे सेव कर सकते हो और यहाँ पे होने वाले छोटे मोटे जो स्कैम्स है उनसे कैसे बच सकते हो, इस बारे में आपको सारी पूरी जानकारी दूंगा। और दूसरी बात रही जो भी वॉकिंग स्ट्रीट का टूर है वो हम लोग करने वाले हैं, कैसे यहाँ के डिस्क है, कैसे यहाँ का माहौल है, ये सब मैं चीज़ आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वीडियो तो स्टार्ट हो चुका है, तो लेट्स गो। धीरे धीरे हम लोग अभी मेरे होटल से ये कुछ यानी नेक्स्ट गली आप 3 से 4 मिनट लगता है मेरे होटल से, क्योंकि यहाँ सारे आप देखोगे ये जो यहाँ पे पूरे ये देखिए जो बस भी है, ये सामने बस है, ये बसेस वगैरह भी यही से बहुत सारी जगह पे, जैसे हनोई, दनांग और बहुत सारी जगहों पे यहाँ से बसेस जाती है। तो यही मेन एरिया है जहाँ पे ज़्यादा करके टूरिस्ट रहते हैं यहाँ पे, और दूसरा वो तिन बिन मार्केट करके एरिया है वहाँ पे, यानी यही डिस्ट्रिक्ट वन में ही ज़्यादा करके सारे लोग रहते हैं। तो यही कुछ है अभी नाइट लाइफ, यानी अभी ये जो रास्ते पे आपको दिख रहा है ये एक नॉर्मल माहौल है यहाँ का। और ये जो फुट मसाज, ये जो लड़कियाँ बैठी है, ये सारे मसाज पार्लर्स हैं। पर ये मसाज पार्लर ऑथेंटिकेशन यानी अगर आप जाओगे तो एज यूजुअल जैसे ही बैंकॉक पटाया में होता है। हाय, सलाम अलैकुम, एंजॉय वियतनाम। सो ये कुछ ऐसे एक्साइटेड लोग रहते हैं पार्टी करके, भाई साहब अभी मूड बना चुका है अपना। सो अभी यही अभी आगे जाके ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, फुल ऑन पार्टी रहता है। सो यही कुछ है। हाँ, मसाज पार्लर के बारे में बात कर रहे थे, तो मसाज पार्लर यहाँ के भी वियतनाम जैसे बैंकॉक जैसे ही है कि आपको बुलाएंगे कि फुट मसाज, ये मसाज, वो मसाज, बाद में अंदर जाने के बाद आपको ऑफ़र करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए क्या, आप समझ लेना एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या होती है, क्योंकि यूट्यूब का भी पॉलिसीज़ है। तो एक्स्ट्रा चाहिए क्या कुछ, तो वो फिर आपके ऊपर है लेना है ना लेना है, पर वो अंदर जाके कितना आपको एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगा पैसे देने के बाद वो आपके ऊपर है, क्योंकि एक बार आप अंदर चले गए तो आप उनके ट्रैप में हो, अगर उन्होंने झगड़ा वगैरह कर लिया तो आपको पैसा देके वापस आना है, तो पैसा वेस्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। ये अभी हम लोग पहुँच गए वॉकिंग स्ट्रीट के मेन एंट्रेंस पे। ये ऐसा कुछ मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे कुछ फूड आउटलेट। ये अभी मेरा आवाज़ आपको कितना ऑडिएबल रहेगा पता नहीं, पर ये कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का। तो ऐसा कुछ माहौल है, तो अंदर जाके मेरा आवाज़ कितना ऑडिबल रहेगा पता नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत बातें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपसे, फिर हम लोग अंदर चलेंगे, क्योंकि अंदर बहुत ही म्यूज़िक का आवाज़ आ रहा है। और ये स्ट्रीट जो है अभी यहाँ से टोटली बंद, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से ये पूरी स्ट्रीट बंद कर दी है उन लोगों ने। सो अभी सिर्फ मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मेरा आवाज़ कितना आपको ऑडियोबल होगा यानी सुनाई देगा मुझे पता नहीं है, इसलिए जो कुछ भी बची हुई बातें हैं वो मैं फिर बाहर आके आपसे करूँगा।
जो मेरे सामने आप ये जो टेबल देख रहे हैं, ये टेबल पे सस्ती बियर मिलेगी 20,000 के, यानी 20,000 डोंग की। यहाँ पे 20,000 डोंग है। और अगर आप वो बड़े बड़े वाले पंप में जाते हो तो वहाँ पे 80,000 डोंग की एक है। मतलब यहाँ पे आप बैठ के पियोगे तो आपको वही बियर 60 रुपये में पड़ेगी और वहाँ 125 रुपये में। तो आप यहाँ भी पैसा बचा सकते हैं, यहाँ बैठ के माहौल बना लीजिए, फिर आपका माहौल बन जाएगा तो फिर आप शिफ्ट हो जाना वो बड़े डिस्क में। और रात भर 4 बजे तक डिस्क चलते हैं तो रात भर आप मज़ा कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के 20,000 की बियर और यहाँ पे एंजॉय कर Thank you.
I'm gonna have to chase time in the middle.